डियर स्टूडेंट वेलकम टू आइंस्टीन। तो आज का हम लोग का टॉपिक है याद रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का आप देख सकते होंगे थ्री डायमेंशन व्यू, चारों तरफ से आपको इसको देखने को मिलेगा। अब इस तरीका का जो क्लासेस जो रहेगी आपका हमेशा चलती रहेगी। चलिए इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए जो पार्ट्स निकला हुआ पार्ट्स है इसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट्स आपको नजर आ रहा है यहां से यहां तक जो पार्ट्स है इसको डायरेक्टली याद रहेगा थैलेमस बोलते हैं ना। और ये जो नुकीला निकला हुआ जो पार्ट्स है, जो कोर आपको नजर आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं किसी फ्लावर का फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट साइकिल ना, इसको हम लोग सेपल बोलते हैं। और जब बहुत सारे जब सेपल ग्रुप में रहते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। तो ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, यानी कि फर्स्ट साइकिल हुआ किसी फ्लावर का। सेकेंड जो आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पेटल। आप देखिए पेटल की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नजर आ रही है। तो किसी भी फ्लावर में यदि इस पेटल की संख्या ज्यादा हो, ग्रुप में हो, तो याद रहेगा ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है, इसको कोरोला कहते हैं। ये सेकेंड पार्ट्स हो गया फ्लावर का, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा डायग्राम में, तो यहाँ जो आपको इस तरीका से फिलामेंट के जैसा निकला हुआ जो पार्ट्स नजर आ रहा है येलो कलर का, ये याद रहेगा ये मेल पार्ट्स है, इसको हम लोग स्टामेन के नाम से जानते हैं ना। और यही जो स्टामेन जो है, अगर बहुत सारे ग्रुप में अगर रहे स्टामेन तो डायरेक्टली इसको बोलते हैं एंड्रोसियम, ठीक है, यानी कि भी मेल पार्ट्स है। जो फ्लावर का जो लास्ट पार्ट आप नजर आ रही है यहां से यहां तक जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है फीमेल पार्ट्स है, इसको हम लोग गाइनोसियम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। इस फ्लावर का जो सबसे ऊपर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं याद रहेगा स्टिग्मा। ये जो आपको ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसको बोलते हैं स्टाइल। और इस तरीके के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओवरी। इसी के अंदर ओवरी के अंदर याद रखिएगा ये आपको नजर आ रहा है एक जैसा स्ट्रक्चर जो येलो कलर का है, इसको बोलते हैं हम लोग ओव्यूल, ठीक है। तो आपसे मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं, आपको क्वेश्चन का आप हमको एंसर बताइएगा, ठीक है। यदि कोई मान लीजिए फ्लावर है और उस अगर फ्लावर में अगर मान लीजिए मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है तो क्या बताइए उस फ्लावर को हम किस नाम से जानेंगे, उस फ्लावर को बाइसेक्सुअल बोलेंगे या उस फ्लावर को हम लोग याद रखेगा यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, तो फ्लावर के रिस्पेक्ट में हो गया, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं आपसे प्लांट्स के रिस्पेक्ट में, अगर मान लीजिए मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बताइए मोनोसियस बोलेंगे या उसको हम लोग डायसियस बोलेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, और इसका आंसर जो है आपको डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बताना है।